बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद F10 मरकज़ डिनर के लिए। बहुत देर के बाद इस तरह हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि हम किस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, और वहाँ का रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमें खाना कैसे लगा। और व्यूवर्स, अब तो हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं, आधा घंटा तकरीबन लगता है हमारे घर से F10 मरकज़ जाते हुए। तो बस हम लोग जो हैं पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं इस टाइप की फ्रेंचाइज़ वगैरह भी हैं, ब्रांड की, इंडियोर वगैरह की। तो यहाँ पर आ जाते हैं इस साइड पे रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये है सीरियन। तो पहले तो हम लोग डिसाइड करते हैं हमें इस तरफ जाना चाहिए खाना खाने, लेकिन भाई कहता है कि बाकी भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि खब्बे की सिज्जी जो है वो ट्राई करनी चाहिए। काफ़ी वो ना ट्रेडिशनल टाइप सा लग रहा था देखने में भी, और जब हम लोग अंदर गए तो काफ़ी हमें वो पसंद आया। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था अंदर का भी, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे जो है पार्किंग करने के बाद यहाँ पर आ गए हैं खब्बे की सिज्जी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने सब कुछ किया हुआ है, फुल ट्रेडिशनल टाइप सा यहाँ पर इन्होंने डेकोर किया हुआ है। ये है यहाँ पर इन्होंने, ये सब कुछ हैंडमेड सा है, या ईंटों की जो है दीवार बनी हुई है, और वो साइड पे वॉल पे जो है इन्होंने चूड़ियों के जो है वो बनाई हुई है विंडो सी। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है सीटिंग की, और यहाँ पर आ गया था मेन्यू। मेन्यू चेक कर रहे थे कि क्या हमें ट्राई करना चाहिए। मेन्यू जो काफ़ी अच्छा था और प्राइसेस भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने अच्छा सा जो अपना मेन्यू भी रेडी किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और इनका जो है रिसेप्शन, वहाँ पे इन्होंने इसी तरीके से जो है रिक्शा बनाया हुआ था काउंटर जो था। तो आप इसकी जो है छत वगैरह भी देख सकते हैं, मिट्टी के गिलास इन्होंने यहाँ पर जो है लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जो ईंटों की दीवारें हैं और फुल ट्रेडिशनल सा था। तो यहाँ पर जो है बस हम लोग ऑर्डर देने के बाद जो है बस वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का। ऑर्डर हमारा आ चुका था, हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई की थी। तो व्यूवर्स, हम लोगों ने ऑर्डर की थी सिज्जी, और साथ ये जो है राइस थे बहुत ज़बरदस्त किस्म के। इनका टेस्ट बिल्कुल जो है बिरयानी टेस्ट था। तो बिरयानी प्लेटर यहाँ पर हम लोगों ने सब ने ऑर्डर किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका जो है सर्विंग सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी के जो है इतने प्यारे से जो ये प्लेट सी है बड़ी सी, और इतना ज़बरदस्त किस्म का चिकन का टेस्ट था, और साथ चटनी सी बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी। फिर हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई। पिक्चर्स बनाने के बाद हम लोगों का था प्लान जो है रेडीमेड चाय पीने का। तो यहाँ पर क्वेटा जो है हम लोग कैफे में चाय पीने के लिए आए, और फिर हम लोगों ने चाय का वेट किया, चाय का वेट कर रहे थे। साथ साथ जो है भाई और भतीजे जो है यहाँ पर खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो है फिर हम लोगों ने जो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का जो मौसम हो रहा था, ठंड लग रही थी, चाय बहुत ही अच्छी लग रही थी, टेस्ट वाइज भी नॉर्मल ही थी, इतनी पसंद नहीं आई। तो हम लोगों ने है यहाँ पे चाय पी। चाय पीने के बाद हम लोग फिर वापसी के लिए रवाना हो चुके थे। तो अब जो था ना खब्बे के सिज्जी का खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, और चाय भी अच्छी थी। खाने का ये है कि एनवायरनमेंट हो रहा ये बंदा जो है ना, अगर एक प्लेट बंदा इजीली आराम से जो है खा सकता है, और अगर जो है ना खाना चाहे तो आराम से खा सकता है, बहुत अच्छा था। और नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग ट्राई करेंगे सीरियन का खाना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने F10 मरकज़ में किस रेस्टोरेंट में खाना खाया है, और उसका जो है कैसा है टेस्ट वगैरह खाने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम वहीं पे भी जाएंगे, और आप लोगों के साथ वहाँ का भी रिव्यू मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ का भी जो है ना एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब व्यूअर्स हम लोग मरी की तरफ से गुजर रहे थे, तो काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था, क्योंकि आई थिंक मरी की तरफ जो है बारिश हो रही थी। तो तभी मौसम जो है यहाँ पे भी हमें अच्छा ठंडा फील हो रहा था। वैसे तो मौसम जो है रावलपिंडी का नॉर्मल ही था, जब मरी की तरफ से गुजरे तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ लग रहा था। तो यहाँ पर जो है हम लोग बस वापसी की तरफ अपने घर की तरफ जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि मौसम इतना अच्छा है, और काफ़ी लेट नाइट हम लोगों ने जो है ये डिनर पार्टी अरेंज की हुई थी भाई की तरफ से थी। तो
हम लोग बस वापस अब घर की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन चाय जो है हम लोगों ने पी थी 1:30 के करीब, एक बस 2 बजने ही वाले थे, तो बस नॉर्मल हम लोग आराम आराम से फिर घर की तरफ आए और 2-3 बजे तक हम लोग घर पहुंचे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और इस तरह फैमिली गैदरिंग में बहुत अच्छा लगता है। तो व्यूवर्स, आप मेरे चैनल इरम्स की चैनल व्लॉग को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग आज का कैसा लगा, और मेरे इंस्टाग्राम को जो है फॉलो लाजमी कर लें, इरम्स ऑफिशियल 13 के नाम से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।